हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड ब्लॉग देख रहे होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से मेरे एक और न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और आज देखो मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है दोस्तों। रात को खूब ज़ोरों से तो बारिश आई है, खूब ज़ोरों से आंधी चली है, तो ठंड हो गई है। गर्मी जैसा तो कुछ है ही नहीं भाई फिलहाल। तो अभी मैं आई हूँ इधर खेतों में घूमने के लिए, क्योंकि आज हमारा यहाँ पे लास्ट डे है भाई। तो थोड़ा सा घूमने आ गई अभी, और मौसम भी अच्छा हो रहा था ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे आना, क्योंकि शाम को या फिर दोपहर को तो अभी हम निकलेंगे, सब काम हो चुके हैं भाई। तो अभी हमें भी अपना घर संभालना चाहिए जाके। तो बने रहिए दोस्तों ब्लॉग में, थोड़ी देर यहाँ पे इंजॉय करते हैं फिर चलते हैं घर। और गाइस देखो आर्यन भी कितना इंजॉय कर रहा है यहाँ पे। देखो सच में है ना, शहर में तो बोर ही हो जाते हैं अंदर ही अंदर रह के, खुल के नहीं रह पाते। लड्डू कैसा लग रहा है? सच में बहुत दूर तक चला गया था, वो अकेला ही घूम रहा है। लड्डू कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है दोस्तों। शादी हो चुकी है पूरी, देखो कैसी खुश हो रहे हैं। अब जा रहे हैं घर पे, कैसा रहा मोटी शादी में बता दो जल्दी से। गाइस मेरे को ऐसे तो कुछ हो गया, ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाए दोस्तों। मेरी तबीयत भी खराब हो गई, आर्यन की तबीयत उस दिन खराब हुई जिस दिन बारात आई थी शाम को। हाँ बारात हम फिर थोड़ा बहुत देख लिया था, मैं तो ये देख ही नहीं की बारात में स्टेज पे नहीं जा पाए। 16 तारीख को इसकी सहेली है इधर पीछे, उसकी शादी में, उसकी शादी में आएंगे दोस्तों। तब तक मैं आर्यन को क्या है ठीक करके लाती हूँ यहाँ पे, उसको मन ही नहीं लग रहा बिल्कुल दोस्तों। वरना कोलगेटों से कर करके हम पक गए थे मोदी। हाँ इससे बहुत अच्छा रहता है ब्रश करने। तो अभी हम कमेंट में जरूर बताइए ये वाली ब्रश कौन कौन को अच्छी लगती है। बारिश की वजह से यार दफन जैसी आ रही है वो। हाँ यार गायों के दोस्त देख लो यो गाइस, फाइनली ब्रश कर लिए भाई हमने नीम के दातन से। हमारा मुंह भी साफ हो गया है, बाड़े में आके ब्रश करे थे। ये है हमारी नीम है, और अभी कुछ देर बाद भी हम निकलेंगे घर शादी। ये छोड़ दे आश्रम में छोटे भाई को। तो गाइस फाइनली वही निकल रहे हैं अब ससुराल के लिए, और ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गए हैं। तो सभी ऐसे कर रहे हैं, मैं इतनी देर से रेडी नहीं हुए क्या। एंड पियाजी आएंगे गाड़ी लेके, तो 2:30 बज गए, टाइम था 11 बजे का, पता ही नहीं चला टाइम का दोस्तों। अरे मेरा फ़ोन तो दे दे, मनीष फ़ोन नहीं दे रहा मेरा। तो अभी मिलते हैं दोस्तों ससुराल जाके। तो यहाँ पे भी है ना जल्दी हो जाती है, पर यार मेरी पत्ती है कि धूप से ना है कि धूप से बिल्कुल ही आप ले जी आने वन चुप बड़े आजा। अरे आजा 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 कुत्तर जोर जी आज चारों घर के दादा दूध में क्या रखा है चारा खाने। बस बस रहन दे मैं कि न्याणों को लगा हूं बोल ज्यादा एक्शन कर रही हूं। बचपन से पाले रही तुम्हारी क्यों बेइज्जती करा रही है तू? मन तो यहाँ दे दिया है।
बचपन के साथी इतनी मुकुटा की थी मिठन प्यार गाइस ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। करते हैं आप मिलकर। देखो बिना नहाने के निकाल रहे हो दूध, मेरे लादे पड़ सकती है। लाइक तो बनता है गाइस। कारू मान जा मिलते हैं दोस्तों चाय के साथ।